नमस्कार दोस्तों, आरजे न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, खबर अलवर से, जहां भाजपा ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरा जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल आरजे न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं खबर अलवर से, जहां भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दलित महिला के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर मुख्यमंत्री मुंह तक नहीं खोलते, ये शर्म की बात है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने थानागाजी मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक दलित महिला के साथ हुए इस तरह के जघन्य अपराध पर मुख्यमंत्री मुंह तक नहीं खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरजे न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, खबर अलवर से, जहां भाजपा ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरा जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल आरजे न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास ही बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं खबर अलवर से, जहां भाजपा के प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दलित महिला के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर मुख्यमंत्री मुंह तक नहीं खोलते, ये शर्म की बात है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मंगलवार को जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने थानागाजी मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब लोग शर्म की बात है। अशोक गहलोत होते हैं कि आज राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंच सके, तो प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा था कि मैं राहुल गांधी से कहूंगा आपको रिजाइन देना पड़ेगा। अलवर की घटना ने पूरे देश के मन को विचलित किया है। दलित जोड़े के साथ हुई इस वार्ता ने अशोक गहलोत से कहा है कि वार्ता की राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने मुख्यमंत्री पद से मंत्री को विचलित किया है। दलित जोड़े के साथ हुई अपराध पर रोक लगाने वाली है। 26 सितंबर महाअपराध है। आप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आपको पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इसलिए हम मांग फिर से दोहरा रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए इस मामले को 6 दिन तक रोक कर रखा।